हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटन पेस्ट। इससे पहले हमने जितनी भी वीडियो की उन वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया है सभी के सभी शुगर कैन पेस्ट के बारे में। तो आज की जो वीडियो है हमारी कॉटन पेस्ट के बारे में रहेगी। और सबसे पहला जो कॉटन पेस्ट है इसके बारे में हमें पूरा का पूरा डिटेल्ड लिखना होता है या डिटेल्ड आता है पेपर के अंदर। 4 या 6 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन है इस तरीके से आ जाता है कि पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को डिस्कस करो। जो इसकी लाइफ साइकिल है कुछ एक स्टेजेस के अंदर है, जैसे कि पैक्टिनोफोरा गोसिपियला की हम बात करें, लाइफ साइकिल इसकी कुछ एक स्टेजेस के अंदर है और उन स्टेजेस को हम बड़े ही ध्यान से देखेंगे कि स्टेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर आता है इसका डैमेज कॉज एंड इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। कॉटन के बारे में सबसे पहला पेस्ट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो आज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कॉटन, जिसका जो साइंटिफिक नेम है या जूलॉजिकल नेम बोले गोसिपियम रहेगा कॉटन का। कॉटन के पिंक वोलवोम, इसका जो आम नाम है या हम बोले कॉमनली इसको पिंक बोलवोम बोला जाता है, पैक्टिनोफोरा गोसिपियला। पैक्टिनोफोरा गोसिपियला का सिस्टेमेटिक पोजीशन, सबसे पहले क्लास है इंसेक्टा रहेगी, ऑर्डर में लेपिडोपेट्रा रहेगा, फैमिली इसकी गैलेचिडियाई, ठीक है, गैलेचिडियाई ये इसकी फैमिली रहेगी। अब इसके अंदर हम आगे चलें, जीनस पैक्टिनोफोरा स्पीसीज गोसिपियला, ठीक है। नाउ इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, डिस्ट्रीब्यूशन के अगर अंदर हम अगर बात करें, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहाँ जहाँ भी कॉटन ग्रो किया जाता है वर्ल्ड के अंदर वहीं देखने को मिलता है। इंडिया इज़ वेरी कॉमन, इंडिया के अंदर ये कहाँ कहाँ कॉमन है, यूपी के अंदर है, एपी के अंदर है, ठीक है, पंजाब के अंदर है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है और इसके अलावा हरियाणा में भी देखने को मिलता है कुछ एक एरिया के अंदर। इसके जो होस्ट प्लांट है अलावा कॉटन के अलावा, मेन तो होस्ट कॉटन है बट इसके अलावा भी अगर होस्ट प्लांट है कुछ एक मालवेसियस फैमिली के प्लांट रहेंगे। मालवेसियस फैमिली में आ जाते हैं हमारे प्लांट सच एज लेडीज फिंगर, ओकरा, होली हॉक्स, ठीक है, ये सारे के सारे प्लांट आ जाते हैं। दिखता कैसा है, जनरल अपीरेंस की बात करें, जो मोथ है स्मॉल होता है, बिल्कुल स्मॉल इंसेक्ट होता है, लेस देन 12.5 mm साइज इसकी लेंथ रहेगी। दीज आर ग्रे ब्राउन इन कलर, कलर कैसा रहेगा इसका, ग्रेश ब्राउन रहेगा। एंड इसके फोरविंग की बात करें, फोरविंग है ब्लैक स्पॉट, इसके फोरविंग के ऊपर ब्लैक स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं और जो हाइंड विंग होंगे वो डीपली फ्रिंज्ड होंगे मार्जिन के साथ, डीपली फ्रिंज्ड मार्जिन मिलेगा हाइंड विंग्स के। पिंक बोलवर्म की कुछ हैबिट है, जैसे कि ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट है, मीन नाइट टाइम में एक्टिव रहेगा और डैमेज करेगी, इसकी जो फॉर्म है कैटरपिलर फॉर्म वही डैमेज करेगी फ्लावर को, बर्ड्स को, शूट को एंड बॉल्स को। कॉटन बॉल्स होती हैं उनको डैमेज करने का काम किसका होता है, जो इसका कैटरपिलर होता है वही डैमेज करेगा, अंदर चला जाता है कॉटन बॉल्स के एंड देन डैमेज कर देता है कॉटन की क्वालिटी को। द अडल्ट जस्ट मेट आफ्टर इमरजेंस, अडल्ट जैसे ही बाहर आता है उसके बाद ही इमरजेंस के बाद वो मेट करता है फीमेल के साथ, देन फीमेल एग लेइंग करती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लाइफ साइकिल देखो इसकी, जो लाइफ साइकिल है और पैक्टिनोफोरा, या फिर इसका दूसरा नाम लिया जा सकता है प्लेटीडेरा, दूसरा नाम है इसका प्लेटीडेरा। ये कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल को 22 से 77 डेज के अंदर। इसकी लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस के अंदर देखने को मिल सकती है, एक हो सकता है शॉर्ट स्टेज, दूसरा हो सकता है लॉन्ग स्टेज। अगर मैं शॉर्ट स्टेज की बात करूं तो शॉर्ट स्टेज के अंदर इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीट इन शॉर्ट स्पान, मतलब थोड़े ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, वेरी शॉर्ट, बहुत कम टाइम के अंदर। अगर मैं लॉन्ग टाइम की बात करूं, लॉन्ग लाइफ साइकिल है इसको बोलते हैं कि विंटर के अंदर, और जो शॉर्ट है वो समर के अंदर होगा। एक छोटी सी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, समर के अंदर शॉर्ट, ऐसे समर ऐसे शॉर्ट, ठीक है, समर में शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी, विंटर में लॉन्ग लाइफ साइकिल होगी और लॉन्ग लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी इसकी लॉन्गर लाइफ स्पान के साथ।
जो अडल्ट होगा वो ब्रीड करता है अप्रैल टू नवंबर। अडल्ट फॉर्म इसकी अप्रैल से नवंबर तक ब्रीड करती रहती है और अपनी जनरेशन को इंक्रीज करते रहते हैं। लाइफ साइकिल में इसकी फर्स्ट स्टेज की बात करूं मैं, सबसे पहले इसकी फर्स्ट स्टेज आती है एग। एग जो लेइंग होते हैं, मेनली फीमेल एग लेड करती है, फीमेल सिंगली और ग्रुप ऑफ 2 to 10, मतलब दो दो के जोड़े या 10 10 एग एक साथ इकट्ठे देती है। एग देने के लिए इनका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, जैसे कि शुगर केन के अंदर था स्पेसिफिक प्लेस था कि वो लीफ के ऊपर ही एग देते थे, बट इसके अंदर कॉटन प्लांट के सारे पार्ट के ऊपर ही एग दिए जा सकते हैं। और ये एग अबाउट 300 होते हैं, ठीक है, ग्रुप ग्रुप के अंदर 300 होते हैं, कहीं पे भी स्टेम पे भी, बड बड के ऊपर भी, फ्लावर्स के अंदर भी, एवरीवेयर ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर हर जगह पे एग्स दिए जा सकते हैं। एग्स आर वाइट। एग्स का देखो स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस बता रखी है एग्स की, इलोंगेटेड एंड फ्लैट। एग वाइड होगा, सॉरी वाइट कलर का होगा, इलोंगेटेड होगा और फ्लैट होगा। एग टर्न इन ब्राउन कलर, ब्राउन कलर के अंदर टर्न हो जाएगा ग्रेजुअली, एग लेइंग के बाद धीरे धीरे एग ब्राउन कलर के अंदर चला जाएगा। द एग साइज अबाउट 0.35 mm इन लेंथ एंड 0.26 mm इन विड्थ, अबाउट लिख सकते हो। एग एक फ्लैट तरीके का दिखा रखा है ना, तो इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछी जा सकती है, वो आपको बतानी पड़ेगी। जैसे ही इसकी एग स्टेज खत्म होती है, एग स्टेज के बाद आता है कैटरपिलर, और कितने दिन बाद आता है ये, इंक्यूबेशन ऑफ 4 to 23 days। जैसे ही 4 से 23 days की इंक्यूबेशन कंप्लीट होती है उसके बाद कैटरपिलर बाहर आता है और द एग हैच इन टू द पेल येलो कैटरपिलर, थोड़ा सा येलो स्ट्रॉई कलर बोल सकते हैं ना, पेल येलो कैटरपिलर के रूप में बाहर आता है। जो कैटरपिलर है उसका हेड कैसा देखने को मिल सकता है, डार्क कलर का देखने को मिलता है और ग्रेइश इसकी प्रोथोरेक्स होती है। प्रोथोरेक्स का मतलब इसका जो माउथ आगे का पार्ट होता है वो ग्रेइश कलर का दिखाई देता है। ये कैटरपिलर डैमेजिंग स्टेज है। अब जब डैमेजिंग स्टेज है तो कैटरपिलर क्या करेगा, बोर करेगा इन टू द बॉल शूट बड एंड फ्लावर। इनके अंदर ये बोर करेगा और जो कॉटन ईल्ड है उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। देन द कैटरपिलर ग्रो अप टू लेंथ ऑफ 15 mm एंड टर्न पिंक। कैटरपिलर धीरे धीरे पिंक कलर का हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हम क्या बोलते हैं, पिंक बोल वूम बोलते हैं, मेनली ये पिंक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ग्रो अप टू लेंथ एंड 15 mm एंड टर्न इन टू पिंक। इट ग्रो फॉर 10 to 30 days, लगभग एक मंथ के लिए ग्रो होता है ये, और फिर बाद में किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्यूपा के अंदर चेंज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ विंटर, विंटर के केस में क्या होगा, ये इस स्टेज को छोड़ नहीं सकता। विंटर के अंदर हमने पढ़ा ना इसकी लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है। विंटर के अंदर ये एक वाइट कलर की सीप, सीप होती है ना जैसे वाइट कलर का कोकून जैसा कुछ बना लेता है और सोयल के साथ पड़ा रहता है, सोयल की डेब्रीज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है या फिर कॉटन प्लांट के ऊपर पड़ा रहेगा। मेनली ये सोइल के अंदर फाउंड होता है, वाइटिश कलर के अंदर, कोकून के अंदर ये पड़ा रहेगा। देन फर्दर इसकी नेक्स्ट क्रॉप आएगी उसके अंदर फिर से ये ग्रो होना स्टार्ट कर देगा। और इसके अलावा ये सीड स्टोरेज होती है, सीड स्टोरेज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। सीड स्टोरेज में ये वहाँ पर वाइटिश स्ट्रक्चर सीड्स को ख़त्म करने के अंदर रहेगा और वहाँ पर ये ग्रो होता रहेगा, और नेक्स्ट जब उसको ग्रो किया जाएगा सीड्स को तो उसके अंदर ये ग्रो हो जाएगा। इसीलिए इसकी जो विंटर की लाइफ साइकिल है वो लॉन्ग होती है। नेक्स्ट स्टेज इसकी आती है प्यूपा। प्यूपा के बारे में अगर हम देखें, द कैटरपिलर प्यूपेट्स इनसाइड द सिलिकन्स कोकून, मतलब एक चमकदार कोकून सा दिखेगा, प्रेजेंट इन लीव्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो लीव्स पड़े होते हैं उनके अंदर सिलिकन सा कोकून देखने को मिलता है। दिस स्टेज नॉर्मली, ये स्टेज अगर नॉर्मली देखें लास्ट फॉर 7 to 20 days के लिए रहती है, सोयल के ऊपर ये पड़े रहते हैं। द मैक्सिमम प्यूपेशन अक्कर ड्यूरिंग मॉनसून, मॉनसून के दौरान बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्यूपेशन देखने को मिलता है, अगस्त के मंथ की अगर हम बात करें, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ अडल्ट कम आउट ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इनके जो अडल्ट हैं वो बाहर आते हैं। अब प्यूपेशन होती है उसके, अगर प्यूपा की लेंथ की बात करें हम, तो प्यूपा 6 mm लेंथ का होता है और 2.7 mm इन विड्थ में होता है।
ये इसकी लेंथ और विड्थ होती है। अडल्ट में जब प्यूपेशन हो जाती है, अडल्ट के अंदर प्यूपेशन का टाइम देखो 7 to 20 days दे रखा है, 7 to 20 days प्यूपेशन के बाद फिर अडल्ट आता है हैच आउट फ्रॉम द प्यूपा, और देर आर इसके साथ ही 4 to 6 generation इन 1 year, एक साल के अंदर लगभग 4 to 6 generation ये देता है। अगर हम इसके कोज, जो डैमेज कोज हैं उनकी बात करें, अब हम बात करते हैं इसके जो डैमेज कोज हैं उनकी। डैमेज कोज अगर हम देखें, मेनली जो डैमेज होगा वो कैटरपिलर के द्वारा होता है। कैटरपिलर बोरिंग करता है शूट के अंदर, बॉल के अंदर, फ्लावर के अंदर, इनके अंदर जब ये बोरिंग करेगा तो क्या होगा, डैमेज कोज का कारण बनेगा, डैमेज कोज का कारण बनेगा। साथ ही जो कैटरपिलर है वो डैमेज करता है यंग सीड को, लिंट को रिड्यूस कर देता है। लिंट होती है जो क्वालिटी ऑफ कॉटन है, छोटे छोटे थ्रेड से होते हैं कॉटन के अंदर देखने को मिलते हैं, उसको हम लिंट बोलते हैं। द ऑयल कंटेंट ऑफ सीड ग्रेटली रिड्यूस, सीड का जो ऑयल कंटेंट होगा उसको भी रिड्यूस करने का काम करेगा। नेक्स्ट में डैमेज क्रॉप गिव लेस सीड, डैमेज क्रॉप होगी बहुत ही कम सीड देती है, जिसको इम्प्योर फाइबर बोलते हैं वो भी साथ में प्रोड्यूस होता है, सीड कम होगी तो इम्प्योर फाइबर। ये दूसरी क्रॉप को भी डैमेज करता है जिसको हम कपास क्रॉप बोलते हैं, कपास की कॉटन के साथ ही लगती है क्रॉप होती है जिसको कपास की क्रॉप बोलते हैं, कॉटन के साथ मतलब कॉटन के जैसी ही। कोज 10 to 25% डैमेज, लॉस ऑफ कॉटन, कॉटन का इतना लॉस होता है कि 10 to 25% ये लॉस कर देती है कॉटन को। इसके अलावा अगर अटैक जो बॉल हैं वो फॉल हो जाती हैं परमानेंटली, उसके अंदर कॉटन की क्वालिटी गिर जाती है, वो ओपन हो जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं उस मॉइस्चर के अंदर ही, ठीक है, जब तक वो रो है, रो बॉल्स हैं उनके अंदर क्या करेगी, अटैक कर देगी फंगस एंड बैक्टीरिया, और फंगस एंड बैक्टीरिया मॉइस्चर कंटेंट में ज़्यादा ग्रो होते हैं, तो उनको जब तक रो है बॉल, कॉटन बॉल जब तक रो है, जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुई है, उसके अंदर वो ग्रो करेगी और उसकी कॉटन क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर देगी। अब इनसे हमें बचाना कैसे है कॉटन को, तो इसको देखना है। तो आइए हम देखते हैं कि कॉटन को हम कैसे सेव कर सकते हैं, इस पेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी कैटरपिलर स्टेज में, इसकी कैटरपिलर स्टेज के अंदर या उससे पहले। जो कैटरपिलर स्टेज है ये डैमेजिंग आ जाती है, इससे पहले इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब सबसे पहला अगर मैकेनिकल कंट्रोल देखें तो रेटून मेथड शुड बी अवॉइडेड। रेटून क्रॉप के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। रेटून क्रॉप क्या होती है, जो वेस्ट ऑफ प्रीवियस क्रॉप के मटेरियल से ग्रो की जाती है उसको रेटून क्रॉप बोलते हैं, जैसे कि शुगर केन के अंदर हमने देखा था। हाइबरनेटिंग लार्वा शुड बी किल्ड बाय प्रॉपर प्लफिंग, सोइल के अंदर जो लार्वा छुपे होते हैं प्रॉपर प्लफिंग से उसको हम किल कर सकते हैं। फॉलन लीव्स एंड बर्ड्स शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न, फॉलन लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको कलेक्ट करो और जला दो। रेजिस्टेंस वेराइटी शुड बी ग्रोन, रेजिस्टेंस वेराइटी है उन्हीं को ग्रो करना चाहिए। अल्टरनेट होस्ट है, विसिनिटी शुड बी अवॉइडेड, अल्टरनेट होस्ट है जो इसके आसपास क्रॉप्स हैं, दूसरी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ताकि इसके आसपास ग्रो ना की जाए। अप्लाई सन हीट ट्रीटमेंट ऑन सीड बिफोर सोविंग, सीड को सोविंग से पहले, सोइल के अंदर डालने से पहले उनको सन हीट ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिसके कारण जो हीटिंग के कारण जो लार्वा वगैरह है या इनके स्पोर वगैरह हैं वो किल हो जाएं, जिसके कारण ये ग्रो ना हो पाए। तो इनहिबिटिंग करने का तरीका केमिकल मेथड में आते हैं कि अगर हम 2.5 लीटर पर एकर में एंडोसल्फान को स्प्रे कर दें या फिर 1.61 लीटर एंड्रीन को स्प्रे कर दिया जाए कॉटन क्रॉप के अंदर पर एकड़ के हिसाब से, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस मौत को या इस पेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैक्टिनोफोरा गोसिपियला, जो एक कॉटन पेस्ट है जिसको हम पिंक बॉल वॉर्म भी बोलते हैं। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखेंगे डायग्राम। पहले एग फीमेल ले एग करती है, एग कैसे होते हैं, कितने होते हैं, 2 to 10 तक एग हो सकते हैं और लगभग 300 egg ये ले करती है, 300 egg ले करती है। अब इसके अंदर जो एग हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, 0.35 इनकी लेंथ होती है, 0.26 इनकी ब्रेथ होती है, विड्थ बोल सकते हैं, फ्लैट टाइप के होते हैं।
कलर के अंदर कैसे हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे, पहले ये वाइटिश होते हैं। देन नाउ नेक्स्ट स्टेज इसकी आ जाती है कैटरपिलर। कैटरपिलर जो लार्वा है ये डैमेजिंग स्टेज आती है। कैटरपिलर कितने दिन के बाद आता है, लगभग 4 to 23 डेज इनक्यूबेशन पीरियड रहता है तब ये निकल के बाहर आता है। कैटरपिलर डैमेजिंग स्टेज है, ठीक है। अब ये फिर इसके बाद 10 से 20 डेज इसको लग जाते हैं निकलने में, और यहाँ पे 7 to 30 डेज भी लग सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कैसी स्टेज है, ये डैमेजिंग स्टेज है, ठीक है। ये डैमेजिंग स्टेज है कैटरपिलर। कैटरपिलर के बाद आता है प्यूपा। प्यूपा कैसा होता है, जो आप देख ही रहे हैं, एक वाइटिश कलर का है। और फिर उसके बाद अडल्ट। अडल्ट कैसा है, नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब लाइट के अंदर एक्टिव रहता है, नाइट टाइम के अंदर एक्टिव दिखेगा। और फिर फीमेल एग ले करेगी। एग लेइंग कहाँ पे करेगी, हर एक प्लांट के हर एक पार्ट के ऊपर होगा, स्पेशली लीफ नहीं होगा इस बार, जैसे कि हमने किसके अंदर पढ़ा था, शुगर केन के अंदर पढ़ा था। अब इसके अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल है, लगभग फोर टू सिक्स लाइफ साइकिल देखने को मिलती हैं एक ईयर के अंदर। वन ईयर के अंदर 4 से 6 लाइफ साइकिल इसकी देखने को मिलती है। लाइफ स्पान इसका डिफरेंट होता है, विंटर के अंदर अलग होता है, समर के अंदर अलग होता है। समर के अंदर शॉर्ट होता है, विंटर के अंदर लॉन्ग होता है। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट पिंक वॉलवॉर्म ऑफ कॉटन। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें।